आशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। आज है हम चिली चिकन का रेसिपी चिकन से बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिली चिकन का प्रोसेस। तो ये देखिए, ये हमने 700 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस बॉडी, इसको हम पीसेस कर लिया है इस तरीका से। उसका हिसाब से ये मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, जीरा पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर हाफ चम्मच, अदरक का पेस्ट डेढ़ चम्मच, लहसुन का पेस्ट डेढ़ चम्मच, ये चमले में हमने लिया है। ये दरदरा पिसा हुआ भुना लाल मिर्च, ये भी लिए हमने हाफ चम्मच। हल्दी एक टीस्पून, गोलकी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर अब हाफ चम्मच, ये कॉर्नफ्लावर हम लिए हैं, कॉर्नफ्लावर का पाउडर लिए हैं हमने, ये चार चम्मच पाउडर लिए हैं, जितना लगेगा जरूरत का हिसाब से हम देंगे। ये ग्रीन चिली सॉस है, ये लिए हैं एक चम्मच। ये सोया सॉस है, ये लिए हैं डेढ़ चम्मच। ये लाल मिर्च सॉस है, चिली सॉस, लाल चिली सॉस है, ये हमने लिया दो चम्मच। ये चावल का गुड़ा हमने लिया है, ये दो चम्मच लिया है भर के, इस चम्मच से दो चम्मच भर के लिया है। ये नमक स्वाद अनुसार देंगे। ये विनेगर हमने डेढ़ चम्मच लिया है। ये टमाटर सॉस हमने लिया है पांच चम्मच। ये दो अंडा हमने फोड़ लिया है। ये रेड फूड कलर लिए हमने, ये जरूरत का हिसाब से हम हाफ टी स्पून लेंगे, लास्ट में लगेगा हमारा। ये देखिए, खड़ा मसाला में हमने लिया हरा, ये लहसुन हमने लिया 15 पीस कर लिया, इसको कुची कुची कर लिया है। ये मिर्चा लिया 10 से 12 पीस, इसको हमने इस तरीका से काट लिया है, काट कर लिया है। ये प्याज पत्ता लहसुन पत्ता दोनों मिक्स करके हमने काटे हैं। ये ग्रीन कैप्सिकम है, ये हमने आधा लिया है, इसको भी हमने इस तरीका से काट लिया है। ये टमाटर बड़ा साइज का एक लिया है, इसको हमने इस तरीका से काट लिया है। ये येलो कैप्सिकम है, इसको भी हमने आधा से थोड़ा ज्यादा लिया है, आप चाहे तो आधा दे सकते हैं, इसको भी हमने इस तरीका से चॉप काट लिया है। ये प्याज हमने बड़े साइज का दो लिया है, इसको भी इस तरीका से काट कर लिया है, इस तरीका से काट के और बीच से इस तरीका से छुड़ा दिया है इस तरीका से। ये एक चौथाई भाग अदरक का टुकड़ा है, इसको भी हमने लहसुन का जैसा बारीक काट लिया कुची कुची। अब चलिए मैरिनेशन करते हैं चिकन का तरफ। तो ये देखिए, ये हमारा चिकन है, बढ़िया से हम धो लिए थे इसको, अब पानी गार लिए हैं पूरा। इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, ये पाउडर वाला मसाला जो हाफ हाफ चम्मच लिए हैं इसमें ऐड करेंगे। ये सारा खारा मसाला इसमें जो हमने दिया था वीडियो में आपको, इसका पेस्ट बनाया हुआ है, ये सारा, ये हल्दी, सारा चीज एक बार इसको मिक्स कर देंगे चिकन में। ये अदरक का पेस्ट हम लेंगे एक चम्मच पूरा, ये लहसुन का पेस्ट लेंगे हाफ चम्मच रख के, बाकी हम सब ऐड करेंगे। ये सोया सॉस हम लेंगे हाफ चम्मच, ये विनेगर लेंगे हाफ चम्मच, ये टमाटर सॉस लेंगे हाफ चम्मच, ये ग्रीन चिली सॉस लेंगे हाफ चम्मच, ये लाल चिली सॉस लेंगे एक चम्मच। अब ये सारा चीज मिक्स करेंगे, आप चाहे तो हाथों का जरिया, चाहे चमलेस का जरिया, जो चीज में सुविधा हो उस हिसाब से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हम अच्छा तरीका से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये चावल का गुंडा, इस सारा हम इसी में ऐड कर देंगे। ये कॉर्नफ्लावर हम लेंगे भर के चार चम्मच, अब ये सारा चीज इसमें मिक्स कर देंगे। ये अंडा जो हमने लिया था दो पीस, ये अंडा भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हर चीज बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
ये फूड कलर है, हमने चुटकी भर लिया है फूड कलर, इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते। ये कलर आने के लिए हम फूड कलर यूज किए हैं, ये देने से कलर अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये हम मिक्स कर लिए हैं, सारा चीज दे के बढ़िया से इसको मिक्स कर लीजिएगा। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा और अच्छा बनेगा। तो ये मिक्स हो गया है, अब हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तब तक कढ़ाई का तरफ चलते हैं, तेल गरम करते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हमने जो मैरिनेट करके रखा था ये हो गया 5 मिनट। अब इसको हम एक एक करके तेल में छोड़ेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसको हाई फ्लेम में हम तेल गरम कर लिए हैं, अब लो कर देंगे। अब एक पीस छोड़ के देखेंगे जो तेल हमारा कितना गरम हुआ है। तेल हमारा परफेक्ट हुआ है, हम एक एक पीस चमलेस का जरिया छोड़ देंगे। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था इसी को एक एक पीस करके हम एक लाइन से छोड़ते जाएंगे पूरा कढ़ाई में। इसी तरीका का सारा चिकन हमने छोड़ दिया है, बाकी बचा हुआ वो हम बाद में, जो पहले हम छोड़े थे उसको थोड़ा इसी तरीका से हिलाते हुए चला लेंगे, नहीं तो एक साइड कच्चा रह जाएगा, एक साइड जल जाएगा। तो ये देखिए जो तेल हम गरम किए थे एक बार में ही हो गया आधा। अब हम लो फ्लेम में इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए अब हम फ्लेम हाई कर देंगे, फिर इसको छान लेंगे। हम एक बॉल में इसको छान लेंगे, ये हो गया है गोल्डन ब्राउन, हम छान लेंगे। इसको ज्यादा नहीं एक बार पकाना है, क्योंकि ये डबल कोट में होगा, एक कोट में नहीं होगा, एक कोट में हम हल्का ब्राउन करेंगे। जो बाकी हमारा ये पीसेस बचा हुआ है, आप चाहे तो हाथों का जरिया एक बार इतना सा लेके एक एक पीस करके एक लाइन से छोड़ते जाइए इस तरीके से। हाथों का जरिया मुट्ठी भर लेके एक एक करके छोड़ते जाइए। ये जो मसाला बच गया है इसको फेंकेंगे नहीं, इसी में चिकन का जैसा थोड़ा थोड़ा जैसे प्याजी पकौड़ा छानते हैं उसी तरीका से इसको भी ऐड कर देंगे इसी में। अब पहले का जो प्रोसेस दिखाए हैं उसी तरीका से इसको भी हम छान लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा हो गया है, सेम कलर लग रहा है एकदम। ये देखिए पूरा एकदम हल्का फ्राई। अब इसी में हम सारा चिकन ऐड कर देंगे। अब इसको फ्लेम हमारा हाई है, हम इसी में हल्का हल्का चलाएंगे ताकि ये हल्का मोचमोचे टाइप का हो जाए। चिली चिकन तो बहुत खाए हैं हम, जिस प्रोसेस से दिखा रहे हैं इस तरीका से बना के एक बार खा के देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसा बना। हम जब भी कोई चीज बनाते हैं ज्यादा प्रोसेस में ही बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने में गलती नहीं हो, जो हम कम बना रही हैं तो ये चाहिए, ज्यादा बना रहे हैं तो ये चाहिए, देख सकिए। तो ये देखिए पकौड़ा हमारा हो गया है डीप ब्राउन, ये देखिए डीप ब्राउन हो गया है। फ्लेम आप लो कर देंगे, अब इसको सारा छान लेंगे, सारा हम एक जाली में छान लेंगे। हम कोई जाली वाला बर्तन में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट एक बॉल में हम रख दिए हैं, क्योंकि हम संग यूज करने वाले हैं इसीलिए। अगर आपको तेल पसंद नहीं है
और आप एक जाली वाला में छान के रख सकते हैं, इसका सारा तेल निकल जाएगा। तो ये देखिए पकौड़ा हमारा तल के रेडी हो गया है। अब हम दूसरा कढ़ाई में ये देखिए पकौड़ा हमारा हम तल लिए हैं पूरा। अब ये कढ़ाई को उतार के दूसरा कढ़ाई हम चढ़ाएंगे। अब यही कढ़ाई से हम तेल ले लेंगे, तकरीबन 50 ग्राम हम तेल लेंगे। तो ये देखिए तेल ले लिए हैं। अब कढ़ाई तेल दोनों गरम हो तो ये देखिए कढ़ाई में हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का कुची, सॉरी ये कुचा हुआ लहसुन हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिली काटा हुआ, जो बारीक हमने काटा था वो ऐड कर देंगे। ये प्याज पत्ता लहसुन पत्ता हम इसी में ऐड करेंगे। ये अदरक का जो हमने टुकड़ा काटे थे ये भी इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने काटा था, ये सारा चीज हम एक एक फिर से कर देंगे ऐड। तो ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना। अब इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, फिर भी तकरीबन हाफ चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये अदरक का पेस्ट जो हमने रखा था हाफ चम्मच, ये लहसुन का पेस्ट, ये दोनों चीज इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून तकरीबन लाल मिर्च का पाउडर दरदरा पिसा हुआ, हाफ टी स्पून तकरीबन हम गोल मिर्च का पाउडर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मसाला है सारा मसाला इसी तरीके से निचोड़ के इसी में दे देंगे। बेस्ट करना कोई चीज ठीक नहीं है। अब बढ़िया से इसको चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर सॉस, पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। ये ग्रीन चिली सॉस इसको भी पूरा ऐड कर देंगे। ये चिली सॉस रेड चिली सॉस इसको भी ऐड कर देंगे पूरा। इसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये सोया सॉस, पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। ये विनेगर ये भी पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर है इसमें ऐड करेंगे इस बाटी में एक बाटी पानी। और ये कॉर्नफ्लोर को अच्छा से मिक्स कर लेंगे दूध का जैसा। ये कॉर्नफ्लोर को
अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में ऐड कर देंगे अब इसको बढ़िया से चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये पानी, एक बाटी पानी फिर हम ऐड करेंगे। तकरीबन 300 ग्राम पानी हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये हम ऐड कर दिए हैं, ये हाफ टी स्पून हम फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। ये कलर अच्छा आने के लिए हम इसको ऐड करेंगे और खूब बढ़िया से इसको चलाएंगे इस तरीके से, खूब बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ग्रेवी बनके रेडी हो गया है, चिली सॉस का या चिली चिकन का। ये ग्रेवी बनके रेडी हो गया है चिली चिकन का। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो चिकन हमने पकौड़ा बना के रखा था चिली चिकन के लिए, इसको ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा चलाएंगे। एक मिनट के लिए तकरीबन इसको हम इसी तरीके से चला लेंगे। अब इसको हम बढ़िया से चला लिए हैं, फ्लेम हम लो कर देंगे। एक मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे। तो ये देखिए एक मिनट हो गया है, अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये बन के रेडी हो गया है, देख के ही पता चल गया है, नीचे में भी नहीं पक रहा है। आपको डाउट रहेगा फिर भी बीच बीच में हाफ मिनट में ही आप चला लीजिएगा। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये चीनी एक चम्मच। अब हल्का हाथों से इसको परसुल का जरिया चला लेंगे। क्या कलर आया है, देखने में भी बहुत सुंदर सॉफ्ट लग रहा है। ये हो गया है चीनी मिक्स हम कर दिए हैं। अब इसी में ये मिक्स होगा, ज्यादा इसको नहीं गर्म करना है। तो उतार के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जिस तरीका से हमने बनाया है आप भी उसी तरीका से बनाइए। जैसा जैसा सामान हमने दिया है उसी तरीका से सामान आप भी दीजिए और एक बार बना के खाइए। एक बार बना के खाइएगा, भूलिएगा नहीं इसको, कभी बार बार बनाइएगा। ये कभी भी किसी का भी संग में खा सकते हैं, कैसे भी करके खा सकते हैं। इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो एक पीस हम खाएंगे और हमसे रहा नहीं जा रहा, हम एक पीस खा के बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा हुआ। ये देखिए चिकन एकदम सॉफ्ट, ग्रेवी सब दिन से तो आज का चिली चिकन हमारा और अच्छा बना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। तो जिस तरीके से हमने दिखाया उसी तरीके से आप भी बनाइए। हमारे वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।